हेलो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो देखेंगे हम कैसे फंक्शंस राइट कर सकते हैं और कैसे हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर मैंने एक पहले से डॉक्यूमेंट क्रिएट करके रखा है और उसके अंदर स्क्रिप्ट टैग जो मैंने एक्सटर्नल यहाँ पर स्क्रिप्ट है जावास्क्रिप्ट है वो कनेक्ट करके रखी है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कैसे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसे कॉल करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि एक फंक्शन मैंने ले लिया, फंक्शन मैंने एक ले लिया, डिस्प्ले फंक्शन ले लिया। ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैं एक अलर्ट लिखूंगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फंक्शन कॉल सक्सेसफुली। सक्सेसफुली ठीक है, और मैं क्या करूंगा, अब इस फंक्शन को कॉल करूंगा। कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करना होगा पहले। ठीक है, हम ऐसे ही जावास्क्रिप्ट की फाइल से ही जावास्क्रिप्ट का फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं। देखिए फंक्शन कॉल सक्सेसफुली आ चुका है, लेकिन मुझे क्या करना है, HTML के अंदर से ही ये फंक्शन अगर मुझे कॉल करना है तो मुझे क्या करना होगा, पहले हम ये फंक्शन कॉलिंग यहाँ से निकाल लेते हैं। आपने देखा कि कैसे हम फंक्शन जावास्क्रिप्ट की मदद से कॉल कर सकते हैं, कॉलिंग फंक्शन देके। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग देके यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक बटन लूंगा, बटन लूंगा, उसे मैं एक कॉल नाम दे देता हूँ और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक इवेंट लूंगा ऑन क्लिक, और उसमें मैं डिस्प्ले फंक्शन कॉल करूँगा, जिससे होगा क्या, यहाँ पर ये बटन क्लिक करने से मेरा डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यह तो हो गया एक डिफॉल्ट फंक्शन, लेकिन मुझे क्या करना है कि एक और फंक्शन लेना है और उसे कुछ पैरामीटर्स पास कर देने हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक और बटन ले लिया और मैंने उसे यहाँ पर कॉल 1 नाम दे दिया। ठीक है, कॉल 5 दे देता हूँ और मैंने यहाँ पर डिस्प्ले अंडरस्कोर पैरामीटर्स डिस्प्ले PAR ऐसे नाम दे देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ एक पैरामीटर पास कर देता हूँ, जैसे कि 21 मैंने पास कर दिया। ठीक है, और मैं अब क्या करूँगा, ऐसा ही एक फंक्शन यहाँ पर राइट करूँगा, जो मैंने राइट कर दिया फंक्शन, और यहाँ पर मैंने डिस्प्ले अंडरस्कोर PAR जो फंक्शन मैंने वहाँ पर लिखा था, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि उसे मैं एक पास कर रहा हूँ, तो ठीक है मैं यहाँ पर एज ऐसा एक वेरिएबल ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर अलर्ट में करूँगा, और अलर्ट में लिखूँगा कि योर एज इज, और मैं यहाँ पर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन की मदद से प्लस देकर यहाँ पर एक वेरिएबल पास करूंगा जो हम वहाँ पर पैरामीटर के अंदर से ले रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से एक पैरामीटर पास किया, डिस्प्ले PAR को एक 21 पैरामीटर पास किया जो कि इंटीजर है, और यहाँ पर एक पैरामीटर एज के नेम में वो वेरिएबल वो वैल्यू ले ली और यहाँ पर डिस्प्ले कर दी। ठीक है, तो अब हम आउटपुट देख लेते हैं। देखिए कॉल 5 नाम का बटन आ चुका है और जैसे मैंने प्रेस किया तो योर एज इज 21, जो हमने यहाँ पर वैल्यू पास की है, इस इंडेक्स के अंदर वैल्यू पास की है, मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, योर एज इज 18 कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 18 कर दिया। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा और जब भी मैंने यहाँ पर प्रेस किया तो देखिए ये पास किया गया पैरामीटर जो 18 था यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में देखा कैसे हम डिफॉल्ट फंक्शन और पैरामीटराइज फंक्शन यहाँ पर राइट कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन राइट कर सकते हैं, कैसे उस फंक्शन को इटसेल्फ उसी फाइल से कॉल कर सकते हैं, या फिर कैसे हम इन HTML के मदद से उसे इवेंट की मदद से कॉल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के बारे में समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।